children, welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Education Academy. I am Chanda Bansal, director of Anand Prakash Education Academy, and we have been providing with the video lectures to help you all and staying safe at home. You can understand the various concepts. We have been giving coaching for JEE, NEET, board exams as well as home exams for the last 13 years with wonderful results. And the same thing, I would like to get a very good result of yours in any exam that you give. But the only criteria is keep watching these video lectures and ask your doubts. We are there for your help 24/7. You can ask your doubts in the comment section or you can mail us. We'll be glad to help you out. So, हमने लास्ट क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का टॉपिक किया था. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने की रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड किया था हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड किया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सो नाउ वी आर गोइंग अहेड विद द फोर्थ टॉपिक, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक बायो के स्टूडेंट्स को पता होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है. जस्ट अ वेरी सिंपल एग्जांपल आई गिव यू सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. एक शैडो है जिसमें इस शैडो का पार्टीशन किया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, और जो दो चैम्बर्स हैं उनमें एक मूवेबल पिस्टन, दो चैम्बर्स में मूवेबल पिस्टन है. ये रफली बनाया है एक मूवेबल पिस्टन को. एक साइड हमने ऐड किया है वॉटर. यहां पे क्या है? वॉटर. दूसरी साइड है एक कंसंट्रेटिंग सॉल्यूशन. जब भी दो चैम्बर्स होते हैं और उनको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? वो मेम्ब्रेन जो कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल्स को अलाउ करती है अपने तरफ से पास होने में. अ मेम्ब्रेन विच अलाउस only certain solute particles to pass through it is called as a semi-permeable membrane. So, movement of water from the region of low concentration to the region of high concentration is called as osmosis. उस फिनोमेना को बोलते हैं osmosis. ये already आपने पढ़ा हुआ है ये फिनोमेना. अब अगर वाटर को अलाउ किया है यहाँ पे मूव करने के लिए, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, से इट इज शुगर प्लस वाटर. जो लेफ्ट चैम्बर है उसमें शुगर और वाटर को मिक्स किया है, मतलब उसने उससे वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया है. तो अगर वाटर का मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है, वाटर भी डेफिनेटली मूव, तो वाटर यहाँ पे मूव होगा तो इसका लेवल क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. लेवल में इंक्रीज. अब यहां वॉटर एंटर नहीं हो इसके लिए इस पिस्टन को प्रेस करना होगा, और जो प्रेशर अप्लाई होगा इस फिनोमिना को रोकने के लिए वो प्रेशर कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर. मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस. दैट्स कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर. और उस प्रेशर को हम मेजर करेंगे, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन. इस ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से. पाई इज इक्वल टू सी आर टी. पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सी है कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड टी है टेम्परेचर
इंटू आर इंटू टी, और हमेशा टी क्या होगा, टेम्परेचर इन केल्विन। इसमें हमेशा केल्विन में ले रहे हैं। आर की वैल्यू आपने 11 में करिए। अगर वॉल्यूम लीटर्स में है और प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो आर की वैल्यू हो जाएगी 0.081। सो फिर से आप ध्यान दोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस। एंड जो पाइप है दैट इज इक्वल टू सीआरटी, कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर हमेशा आपको किस में लेना है, केल्विन में लेना है। इसके अलावा आपको जो चीज याद रखनी है दैट इज सॉल्यूशन हो सकता है आइसोटोमिक, सॉल्यूशन हो सकता है हाइपोटोमिक या हो सकता है हाइपरटोमिक। अब आइसोटोमिक का मतलब क्या है, अगर दो सॉल्यूशन है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा आइसोटोमिक सॉल्यूशन। मींस अगर दो सॉल्यूशन जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं उनमें से एक का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है और एक का ज्यादा है, तो जिसका कम है उसको बोलोगे हाइपोटोमिक और जिसका ज्यादा है उसको बोलोगे हाइपरटोमिक। सो पाइवर इज लेस देन पाई टू, तो पाइवर हो गया हाइपोटोमिक और पाई टू हो गया हाइपर टू। दिस इज अ बेसिक थिंग विच यू नीड टू नो अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है ये आप देखोगे यहाँ पे। फॉर्मूले को अच्छे से समझना है और फिर उसको फॉर्मूले में अप्लाई करना है, जो भी कुछ गिवन है दैट यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8.96 मिलीग्राम ऑफ अ जीन फ्रैगमेंट। मींस ये वैल्यू हमको गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट, सो 8.96 मिलीग्राम्स, इसको आप यही पे आप ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो। So 8.96 into 10 to the power minus 3 grams. इस जीन फ्रैगमेंट का मॉलिक्यूलर मास नहीं गिवन है, वॉल्यूम है 36 मिलीलीटर्स। अगर वॉल्यूम को लीटर्स में लेना है तो आप उसे करोगे कन्वर्ट 36 into 10 to the power minus 3 लीटर्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करना है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर टॉर में गिवन है। सो पाई इज 0.335 टॉर, उसको एटमॉस्फेयर में आप कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू जाएगी 0.335 अपॉन 760। ये सब कन्वर्जन आपने 11 में किए हैं। सो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सो पाई हो जाएगा 0.335 upon 760 is equal to concentration of a moles per liter into R into T, ठीक है। अब moles क्या होंगे इसको आप further breakup करोगे, simplify करोगे, moles मतलब हो गया WB upon NB, WB upon NB into 1 upon V, volume कितना है liters में, 36 into 10 to the power minus 3 liters, R हो जाएगा 0.0821 into temperature में यहाँ पर 25 degree Celsius, उसको आपको Kelvin में convert करना है, मतलब ये हो जाएगा 298। WB की value grams में 8.96 into 10 to the power minus 3, so WB के लिए हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, that is 8.96 into 10 to the power minus 3, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल अनु
मॉलिक्यूलर मास जब आपको इनको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.42 × 10⁴। दिस विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ जी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको सारी चीजें प्रॉब्लम में पुट करना है एंड सॉल्व करना है। इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन को करेंगे, ये आप नोट कर लो सारे। So we go towards the second question. Second question में है, a solution containing 15 grams of urea per liter solution means यहां पे WP है 15 grams, molecular mass of urea होता है 60. Formula बताया आपको CO(NH2)2, उसका जब molecular mass निकालोगे तो आया 60. इसको प्रिपेयर किया है 1 लीटर ऑफ वाटर, सो वॉल्यूम है 1 लीटर। इट हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब सेकंड केस में WT-, इसका आपको मास निकालना है और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है ये होता है 180. 180 इसका मॉलिक्यूलर मास है, वॉल्यूम इसमें 1 लीटर है, वॉल्यूम सेम है, मीन्स सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है WT-, मीन्स ग्लूकोज का मास कैलकुलेट करना है। दोनों सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, मीन्स ये हो जाएगा 5.1 = 5.2। जब ये 5.1 = 5.2 है सो ये इसको हम बिल्कुल भी सिंप्लीफाई करते C1RP = C2RP। आर कॉन्स्टेंट है, तो सेम है, टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है, सेम टेम्परेचर पे कंडीशंस दी हुई है, सो ये दोनों कैंसिल हो गए, सो यू विल गेट C1 = C2। अब वॉल्यूम भी सेम, कंसंट्रेशन क्या हो गया N1/B = N2/B। अब N1 और N2 को आप सिंप्लीफाई करो, ये हो गया WP/NB = WP-NB-, सो WP कितना है 15, मॉलिक्यूलर मास है 60 यूरिया का, और ऐसे ही आप इसमें WP- अनोन है और NB- है 180. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 45. सो 45 ग्राम्स इज द मास ऑफ ग्लूकोज। सो ये हमने क्यों इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि इनके ऑस्मोटिक प्रेशर से है। सो इस तरह से हम बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स देखते जाइए, टाइप करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ सके जैसे ही हम एक नया वीडियो लेक्चर अपलोड करते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो लेक्चर, आपको समझ में आया। कोई भी डाउट है तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो या मेल कर सकते हो, विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो चिल्ड्रन स्टे सेफ एंड कीप ऑन स्टडी विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम।